वेलकम टू क्वेश्चन आंसर चैनल क्लास टेंथ चैप्टर थ्री है मनी एंड क्रेडिट आज हम करेंगे इसके एमसीक्यू तो जल्दी से यार वीडियो को लाइक कर दो आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो so दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहे क्वेश्चन नंबर वन देखिए सरेंडर ऑफ नोट्स टू द बैंक बाय द गवर्नमेंट बाय ए स्पेसिफिक पीरियड एंड रिसीव न्यू करेंसी नोट इज कॉल्ड अभी ये इंडिया में भी हुआ था कि पुरानी करेंसी बैन हो गई थी फिर आपको पुरानी करेंसी से नए नोट मिल गए थे कहाँ से बैंक से इस प्रोसेस को कहा जाता है डिमोनिटाइजेशन मोदी जी ने भी किया था नेक्स्ट एग्जांपल है गिवन एग्जांपल ऑफ डिजिटल बैंकिंग का एग्जांपल है एटीएम कार्ड ओके व्हाट इज द डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स क्या होता है यहां देखिए बोथ पार्टीज हैव टू अग्री टू सेल एंड बाई अदर्स कमोडिटीज यहां पर देखो इसको राइस ये चाहता है कि भाई मुझे हेन मिल जाए और ये चाहता है कि भाई मुझे राइस मिल जाए तो दोनों ही लोग एक दूसरे की चीज खरीदना चाहते हैं ये है डबल को इंसिडेंट्स ऑफ वॉन्ट्स वॉट एलिमिनेट द नीड फॉर डबल को इंसिडेंट ऑफ वॉन्ट्स जो मनी है वो एलिमिनेट कर देता है सिंस मनी एक्ट एज एन इंटरमीडिएट इन exchange प्रोसेस इट इज कॉल्ड भाई आप पैसे को लेकर जाओ पैसा दे दो और सामने वाले से कुछ भी ले लो तो इसीलिए इसको कहा जाता है मीडियम ऑफ एक्सचेंज वॉट वर द अर्लिएस्ट फॉर्म्स ऑफ ऑब्जेक्ट यूज एज मनी इन इंडिया ग्रेन एंड कैटल मतलब स्टार्टिंग में पैसा वगैरह करेंसी वगैरह तो थी नहीं तो लोग ग्रेन से ही कैटल देते थे और दूसरी चीजों को ले लेते थे, थे. वॉट केम आफ्टर ग्रीन एंड केटल एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज ग्रेन और केटल के बाद क्या आई मेटेलिक कॉइन्स आए गोल्ड आए सिल्वर कॉपर आए, आए जो राजा महाराजा थे उन्होंने ये बनवाना चालू कर दिया द मॉडर्न कर विदाउट एनी यूज ऑफ इट्स ओन देन वाई एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज तो मॉडर्न करेंसी को क्यों यूज किया जाता है एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज बिकॉज इट इज ऑथोराइज बाय द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री हमारी जो कंट्री है उसने ऑथोराइज किया हुआ भाई बिल्कुल लीगल है फॉर्म में जमा करके रखते हैं अड इज द बैंक टू पे स्पेसिफिक अमाउंट फ्रॉम अर्सन अमाउंट टू द पर्सन इन होल नेम इज बीन इश्यूड ये क्या है चेक है ना चेक से मैंने किसी के नाम का चेक काटा तो अब वो पर्सन उस चेक को जाके अपनी बैंक में लगा देगा और सीधे उसको उस अमाउंट का चेक उस अमाउंट मिल जाएगा जो मैंने चेक में फिल करके रखा था द फैसिलिटी ऑफ चेक अगेंस्ट डिमांड डिपॉजिट मेक इट पॉसिबल टू डायरेक्टली सेटल पेमेंट विदाउट द यूज ऑफ चेक का यूज करने से आपको कैश की जरूरत नहीं पड़ती है मोहम्मद सलीम वॉन्ट्स टू विदड्रॉ ट्वेंटी थाउजेंड रुपीज इन कैश जो सलीम है वो बीस हजार रूपए अपनी बैंक से निकालना चाहता है ठीक है फॉर मेकिंग आफ्टर प्रेम in द मनी ही प्रेम को पैसा मिल जाता है तो प्रेम अपनी बैंक में उसको डिपॉजिट कर देता है तो अब क्या होगा सलीम बैलेंस इन हिस्स बैंक अकाउंट डिक्रीज भाई उसने बीस हजार रुपए निकाले है तो इसके तो कम हो जाएंगे है ना एंड प्रेम का जो बैलेंस है वो बढ़ जाएगा बैंक्स इन इंडिया दीज डेज होल्ड अबाउट डैश ऑफ देयर डिपॉजिट एज कैश जो पंद्रह परसेंट है ना जो भी बैंक के पास पैसा आता है मिनिमम उसका पंद्रह परसेंट तो वो अपने पास कैश की फॉर्म में रखती है कब कौन सी जरूरत आ जाए उसके लिए डैश रेफर्स टू तो एन अग्रीमेंट इन विच द लैंडर सप्लाईज द बोर विद मनी गुड्स ऑफ सर्विस इन रिटर्न विद्रोमिस ऑफ ये क्या है क्रेडिट तो क्रेडिट अगर आपने किसी को उधार दिया है ठीक है ये आपने बैंक से उधार लिया है तो फिर आप उसको कैसे पैसा लौटाओगे कैसे क्या करोगे वो सारी चीजें उसमें आती है चिल्ड्रन अभी तक यार इस वीडियो को एक लाइक नहीं किया तो प्लीज यार एक लाइक कर देना आपके एक लाइक से आपके एक सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है मैं तीन तक काउंट करूंगा प्लीज वीडियो लाइक कर देना वन टू थ्री आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है एंड एस एच जी मोस्ट ऑफ द डिसीजन रिगार्डिंग सेविंग्स एंड लोन एक्टिविटीज आर टेकन बाई एस एच जी क्या होता है सेल्फ हेल्प ग्रुप जैसा कि यहाँ पे दिख रहे हैं ना तो यह, सारे जो डिसीजन है वो कौन लेंगे इसके मेंबर्स लेंगे इन रूरल एरियाज़ एरिया मेन डिमांड फॉर क्रेडिट इज लोग उधार क्यों लेते हैं क्रॉप प्रोडक्शन के लिए डैश इज एन एसेट दैट द ओन सच एज लैंड बिल्डिंग व्हीकल लाइव स्टॉक डिपोजिट विदेज गारंटी तो जब कोई पर्सन उधार लेगा तो बैंक क्या देखेगी कि भाई अगर कल तुम हमारे पांच लाख रुपए नहीं लौटा पाए तो, तो उसके एवज में तुमको कुछ गिरवी रखना होगा कोलेट्रल बोलते हैं इसको ठीक है इंटरेस्ट रेट कोलेट्रल एंड डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट एंड द मोड ऑफ रीपेमेंट टुगेदर कंप्राइज व्हाट इज कॉल्ड द ये सब है टर्म्स ऑफ क्रेडिट के यानी कि अगर आपको बैंक से उधार चाहिए तो आपको डॉक्यूमेंटेशन करना होगा अपने कागज दिखाने पड़ेंगे क्या जरूरत है किसके लिए ले रहे हो और किस तरह से उस पैसे को लौटाओगे ये भी बताना होगा विच ऑर्गेनाइजेशन अरेंज फॉर्मल सेक्टर लोन तो फॉर्मल सेक्टर लोन बैंक और कॉपरेटिव राइट आंसर होगा डी ए एन बी अकॉर्डिंग टू इंफॉर्मेशन गिवन ऑन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लोन हाउ मच ऑफ द लोन इज टेकन बाई द पुअर हाउस होल्ड यानी गरीब लोगों ने लगभग इनफॉर्मल सोर्सेज से कितना लोन लिया एट्टी फाइव परसेंट देख रहे हो बैंक होने के बावजूद भी लोग मनी लेंडर से ज्यादा पैसा उधार लेते हैं इज वन ऑफ द द मेजर प्रिवेंट पुअर फ्रॉम गेटिंग बैंक लोन गरीब आदमी बैंक से लोन क्यों नहीं ले पाता क्योंकि भाई उसके पास गिरवी रखने के लिए कुछ नहीं है कोलेट्रल नहीं है डैश कॉस्ट ऑफ बोरोइंग इंक्रीज द डेट बर्डन हाई कॉस्ट ऑफ बोरोइंग अगर आप ज्यादा लोन लोगे ज्यादा उधार लेते रहोगे तो तुम डेट यानी कि कर्जे में फंस जाओगे वॉट काइंड ऑफ लोन्स डू द में सेल्फ हेल्प ग्रुप के जो मेंबर हैं, किस तरह का लोन लेते हैं ये लेते हैं ग्रुप लोन अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन गिवन ऑन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लोन्स हाउ मच ऑफ अ लोन इज टेकन बाई द रिच हाउस होल्ड जो रिच है जो ऑलरेडी अमीर लोग हैं उन्होंने कितना इनफॉर्मल सोर्सेस टेन परसेंट ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश इज वन ऑफ द बिगेस्ट सक्सेस स्टोरीज़ अच्छा जी 2018 में इट हैड ओवर मिलियन मेंबर्स इन अबाउट 81,600 विलेजेस तो ओवर मिलियंस लोग इसने जोड़ दिए थे किसने जो ग्रामीण बैंक है बांग्लादेश की ये रिकॉर्ड है इन सिचुएशन विद हाई रिस्क क्रेडिट माइट क्रिएट फर्दर प्रॉब्लम फॉर द बोरोवर वॉट इट इज कॉल्ड डेट ट्रैप भाई आदमी ने यहां से भी उधार ले रखा है इनसे भी उधार ले रखा है इनसे भी उधार ले रखा है इसका चुका तो पाया नहीं है एक जगह से और उधार ले लिया तो इस तरह से इंसान जो है कर्जे में डूबता जाता है और इसको डेट ट्रैप कहते हैं वॉट इज द लोन सेंशन टू द एस एच जी जो एस एच जी को लोन दिया जाता है उसका एम क्या है टू क्रिएट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज डबल कोइंसिडेंट्स ऑफ वॉन्ट्स मीन डबल कोइंसिडेंट ऑफ का मतलब है अ पर्सन डिजायर टू सेल एग्जैक्टली वॉट द पर्सन टू विशेष टू बाई मतलब मुझे ये बेचना है ठीक है इसको और अगले वाले को भी यही चीज खरीदनी है तभी हो पाएगा इन अ बार्टर सिस्टम वेयर गुड्स आर डायरेक्टली एक्सचेंज विदाउट द यूज ऑफ मनी डबल कोइंसिडेंट्स ऑफ वॉन्ट इज एन असेंशियल फीचर यस भाई देखो ये कह रहा है कि भाई तुम मुझे अपने सेब दे दो ये कह रहा है कि तुम मुझे अपनी हैंड दे दो यानी कि दोनों को ही एक दूसरे की चीज की जरूरत है तभी ये डील हो सकती है नहीं तो ये डील नहीं हो सकती तो डबल कोइंसिडेंट ऑफ जो वॉन्ट्स है वो जरूरी है वार्टर सिस्टम में इन इंडिया डैश इश्यूज करेंसी नोट्स कौन करती है आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू

इन्वेस्ट uh, कर देती है लोन दे देती है लोगों को इसी तरह से बैंक पैसा कमाती है भाई आपने बैंक को एक लाख रुपया दिया बैंक ने एक साल बाद आपको एक लाख चार हजार रूपए दे दिए मैं गया बैंक के पास कि दो लोन दे दो मुझसे बैंक ने दस लाख रुपए लिए दस हजार रुपए लिए सॉरी ठीक है तो आपको दिए एक लाख पे चार हजार और जिसने उधार लिया था बैंक से लोन लिया था उससे लिए एक लाख पे दस हजार का ब्याज तो टेन थाउजेंड में से फोर थाउजेंड माइनस करूंगा तो सिक्स थाउजेंड तो यह है बैंक की कमाई इस तरह से बैंक पैसा कमाते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्वालिटर लाइव स्टॉक भी है लैंड भी है डिपोजिट विद बैंक भी है राइट right आंसर होगा ऑल ऑफ द अब वॉट आर द डिफरेंट कंपोनेट ऑफ द टर्म्स ऑफ क्रेडिट तो टर्म्स ऑफ क्रेडिट में इंटरेस्ट रेट भी देखा जाएगा कागज भी देखे जाएंगे डॉक्यूमेंटेशन डॉक्यूमेंटेशन और कॉलेट्रल भी सो राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ इनफॉर्मल सेक्टर्स के एग्जांपल क्या है मनी लेंडर्स एंड ट्रेडर्स सो राइट आंसर है ओनली ए एंड बी एज ऑफ 2012 द मेजर सोर्स ऑफ क्रेडिट टू रूरल हाउसहोल्ड इन इंडिया वाज रूरल एरियाज में जो uh, उधार दिया जा रहा था वो लोग किससे ले रहे थे मनी लेंडर से ले रहे थे, ले रहे थे। 6 है, children, इस का आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में देखता हूँ कितने बच्चे राइट आंसर देते हैं इन इंडिया डैश इश्यूज करेंसी नोट्स कौन इश्यू करेगा आरबीआई करेगी मिनिस्ट्री फाइनेंस नोट अपने आंसर में ए बी सी डी लिख देना मैं समझ जाऊंगा आई होप चिल्ड्रन वीडियो अच्छा लगा होगा प्लीज वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना मिलते हैं अगले वीडियो में बाय बाय